दीदी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं लाइब्रेरी से लौटते वक्त लेती आऊँगी। कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ओके, बाय जूही। जूही, मोना तुम्हारे बारे में अक्सर बात किया करती थी, कहती थी कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हें बिना लिए वो मेस पे खाना खाने भी नहीं जाती थी। जूही, तुम्हें तो पता होगा ना क्या हुआ था मोना के साथ, क्यों किया उसने ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं थी शीतल। नहीं, कोई ना कोई बात तो थी। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। देखो जूही, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो। जूही, तुम नहीं जानती मेरे बाबा ने कितने सपने देखे थे मोना को लेकर। वो चाहते थे कि मोना, सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने मोना की डेड बॉडी देखी। मां ने तो बिस्तर ही पकड़ ली। जूही, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मोना कैसे चले जाने से? प्लीज जूही, मुझे बताओ ना, कौन परेशान कर रहा था उसे, क्या परेशानी थी? कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा था शीतल। तुम भी किसी की बड़ी बहन हो ना, अगर तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो भी तुम ऐसे बिहेव करती? प्लीज जूही, आई बेग ऑफ यू, प्लीज मुझे बताओ ना, क्या परेशानी थी मेरी मोना को? शीतल, छोटी मोटी परेशानियां कहां नहीं होती। और फिर हॉस्टल लाइफ में थोड़ी बहुत रैगिंग तो चलती रहती है ना। रैगिंग? कैसी रैगिंग? प्लीज शीतल, किसी को मत बताना मैंने तुम्हें बताया है। और वैसे भी अब वो लोग हमारे अच्छे दोस्त हो गए हैं। वो तो मोना की अच्छी दोस्त थी। कौन? तानिया। तानिया, आर्यन यार, प्लीज मुझे तंग मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारा मूड ठीक किए बिना मैं यहाँ से कैसे चला जाऊंगा? एक जोक सुनाता हूँ। चार दोस्त थे बेवकूफ, अनएम्प्लॉयड, तो उन्होंने सोचा कि एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो एक रेस्टोरेंट खोला उन्होंने। लेकिन वो रेस्टोरेंट नहीं चला, जानते हो क्यों? क्योंकि वो चौथी मंजिल पर था और वहां जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। हो गया जोक? अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ। तो वो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस नहीं चला, तो उन्होंने सोचा कि अब एक टैक्सी खरीदते हैं, टैक्सी का बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन वो भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो चारों के चारों हर वक्त उसी टैक्सी में बैठे रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब टैक्सी तो किसी काम की है नहीं, तो इसे किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाके नीचे खाई में धकेल देते हैं। तो वो चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर, धकेलने लगे, लेकिन नहीं धकेल सके। जानते हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि दो आगे से धक्का मार रहे थे और दो पीछे से। जरा तस्वीर से बाहर आ जाए भूपा। जो सामने स्लीवलेस टॉप पहन के लड़की बैठी है वो तानिया? हाँ तो? नहीं, मैं बस जानना चाहती थी। लगता है नहीं नहीं आई हो। हाँ, तभी तो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। देखो, वो इस समय किसी से मिलना नहीं चाहती। क्यों? और तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, अभी नहीं नहीं आई हो, मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है तुम्हें। I don't care. देखो, रुको। Oh, damn it! अबे, तानिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी। तुम हो कौन?
तुम खुद समझ जाओगे। हो आई सी, तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने का तरीका है। वॉचमैन को थप्पड़ क्यों मारा तुमने? इसलिए क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। What?